नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ पंचम सिंहराज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में शासकीय दृष्टिबाधित स्कूल के हॉस्टल में एक नेत्रहीन छात्र को सांप ने डस लिया। गनीमत ये थी कि सांप जहरीला नहीं था, लिहाजा सांप के डसने के बावजूद छात्र की जान बच गई। घटना सोमवार शाम की है, जिसमें बाल बाल बचे छात्र को उसके परिजन हॉस्टल से अपने घर ले गए। हॉस्टल में जो नेत्रहीन छात्र सर्प डंस का शिकार हुआ, उसका नाम राजा राम है और वो इसी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम छात्र हाथ मुंह धोने के लिए हॉस्टल के बाथरूम में गया था। यहां पहले से मौजूद सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप के डसते ही छात्र ने चीख पुकार मचाई, जिसके बाद साथी छात्रों की सूचना पर पहुंचे वार्डन और प्रिंसिपल ने छात्र को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। छात्र को डसने वाला सांप जहरीला नहीं था, लिहाजा उसकी सेहत ठीक बताई जा रही है। इधर नेत्रहीन बच्चों के हॉस्टल में सर्पदंश की घटना से स्कूल और हॉस्टल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में स्कूल और हॉस्टल के आसपास मौजूद झाड़ियों को कटवाकर यहां कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि बिल्डिंग पास ही एक तालाब और नाला है, लिहाजा परिसर में सांप या कीड़े मकौड़े आ जाते हैं। प्रिंसिपल का दावा है कि स्कूल और हॉस्टल के आसपास हर 15 दिन में झाड़ियों की नियमित कटाई और साफ सफाई करवाई जाती है और इस तरफ और ध्यान दिया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शाम को बालक बाथरूम में मुंह धोने जा रहा था तो उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया, तो सांप ने उसको काट लिया। तत्काल जो उसके छात्र के साथी हैं उन्होंने वार्डन सर को बताया। वार्डन सर तथा अन्य कर्मचारी उसे अस्पताल में ले गए। सांप पनियल था और वार्डन साहब ने मुझे भी बताया, तो मैं भी मेरे साथी शिवशंकर कपूर व्याख्याता अधीक्षक प्रभारी राज्यपम कल्याण और एक टीचर को लेके मैं स्वयं वहां पहुंचा। वहां पर मेडिकल में उसका इलाज करवाया और उसकी जो ब्लड रिपोर्ट है पॉजिटिव आई थी, उसका वह पूर्ण स्वस्थ है। डॉक्टर ने बता दिया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, बालक को पॉइजन आदि नहीं है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए 24 घंटे रहने की सलाह दी थी। फिर कल उसको लगभग 2:30 बजे मेडिकल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया था, परिजन आ गए थे और उसको वो ले गए हैं, जिसकी रजिस्टर में एंट्री की गई है। बालक राजा राम कक्षा 11वीं का है, उसकी आयु 20 वर्ष है और वह पूर्ण स्वस्थ है। उसको किसी तरह से किसी प्रकार से ज़बरदस्ती घर नहीं भेजा गया है। जो भी बच्चे बीमार होते हैं उनको यहाँ उपचार उनका करा दिया जाता है और मैं स्वयं वहाँ मेडिकल में उपस्थित होकर डॉक्टरों से संपर्क करके और उसका स्वास्थ्य विभाग ने अच्छे से अच्छा इलाज किया है, पूरी देखभाल की है उसकी। और जो विद्यालय में डॉक्टर यहाँ पर आते हैं छात्रों को चेकअप करने के लिए, तो वे स्वयं भी उपस्थित होकर उन्होंने भी उसका उपचार किया और सहयोग किया था। इसके अलावा विद्यालय में साफ़ सफाई हर 15 दिन में करवा दी जाती है, अभी भी साफ़ सफाई जारी है और नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ दवाई का छिड़काव कर दिया गया है, जो सांप मारने के लिए होती है, मच्छर आदि की दवाई का छिड़काव कर दिया गया है। पूरा प्रयास हमारा रहता है कि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पर यहाँ खुला परिसर है ये और बाजू में तालाब भी है, तो स्वाभाविक है ये जीव जंतु घूमते रहते हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहें। वो इत्तेफाक से ये घटना घट गई है, तो बालक बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप चाहें तो बालक से भी संपर्क कर सकते हैं, उनके परिजनों से भी संपर्क कर सकते हैं, मेडिकल से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बालक मेडिकल वार्ड नंबर 18 में भर्ती रहा, रात्रि 6 तारीख की रात में उसको भर्ती कराया गया था वार्डन तथा अन्य कर्मचारियों के सहयोग से। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।